हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की चैप्टर नंबर 113 को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिजोहार की ग्रैंडमा वही मूवी के बारे में सोच रही होती है और वो भी मिजोहार के लिए प्रे करती है। इसके बाद हमें काजुआ के अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहां पर काजुआ हैरान होते हुए देख रहा होता है और वो तभी हैरान होते हुए कहता है फिर से और कोई, और वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि हमने 2000 येन 19 लोगों से, 5000 येन 10 लोगों से और 10000 येन 3 लोगों से डिपॉजिट कर दिया, ये तो बिल्कुल 118000 येन हो गया। और वो तभी कैलकुलेट करते हुए कहता है कि अगर लोग इसी रेट से पैसा डोनेट करेंगे तो हम तो हाफ मंथ में ही हमारे टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और वो यहां पर याद कर रहा होता है मिजोहारे की बात, जहां पर मिजोहारे कह रही होती है कि ग्रैंडमा गुजरने से पहले मैं ये मूवी उनको दिखाना चाहती हूं और बस यही मेरा सपना है। और वो खुद से कहता है कि मैं मिजोहारे के ड्रीम के लिए ये जरूर करूंगा और हम हमारे सपने को जरूर पूरा करेंगे। और इसके बाद रूम से बाहर जाने लगता है वो, तभी वो देखता है कि मिजोहारा भी रूम से बाहर आ रही होती है। और वो तभी मिजोहारे से कहने लगता है कि हमने कल ही क्राउड फंडिंग की कैंपेन को लॉन्च कर दिया और ये देखो पूरे रात में 120000 येन डिपॉजिट हो चुका है और ये अभी भी बढ़ ही रहा है। और ये सुनकर मिजोहारा भी थोड़ा हैरान होती है और काजुआ कहने लगता है कि ये अच्छी बात है, हमने जब कैंपेन लॉन्च किया तब से लोग गैदर होना स्टार्ट हो गए, कुछ लोगों ने तो 10000 येन तक डिपॉजिट किया, शायद हमें उन लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए और 33 पीपल तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर यही रेट रहेगा तो हम हाफ मंथ में ही हमारे गोल तक पहुंच जाएंगे। तभी मिजोहारा कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना होगा। और मिजोहारा कहती है कि हर चीज इस तरह ही आसान नहीं रहेगी, अब तक तो हमने स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं किया और इसके आगे भी और भी चैलेंज आने वाले हैं। और वह तभी जाते हुए कहती है कि फिर भी हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ही होगा। और इसके बाद मिजोहारा यूनिवर्सिटी की ओर जाने लगती है और यहाँ पर काजुआ सोचने लगता है कि मिजोहारा सही कह रही है, हर एक चीज इस तरह आसान नहीं होने वाली और हमें हर एक चीज के लिए हमारी वक्त को अच्छी तरह से यूज करना होगा। तभी काजुआ आगे जाते हुए कहता है कि फिर भी मुझे एक वक्त में वन स्टेप आगे बढ़ाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुका एंड काजुआ एक साथ होते हैं, जहां पर रुका काजुआ से कह रही होती है कि क्या ये शानदार नहीं है, एक ही रात में 150000 येन डिपॉजिट हो चुका है, अगर यही रेट रहेगा तो मिजोहार की ग्रैंडमा जरूर मूवी देख पाएगी और वह जरूर खुश होगी। और इसके बाद वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं, जहां पर काजुआ कहता है कि फिर भी मुझे एक स्क्रिप्ट ढूंढना होगा और मेरा एक दोस्त है जो कि नॉवल लिखता है और हमारे पास इतना बजट भी नहीं है कि हम किसी प्रोफेशनल से इसके बारे में पूछ पाए। और वो कहता है कि फिर भी कुछ चीजें पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी रुका कहती है मैं तुम्हें एक नॉवल की वेबसाइट दिखा सकती हूँ जो कि मैं काफी वक्त से यूज कर रही हूँ और वह साइट में यूजुअली ओटाकू और इंस्पिरेशन रिलेटेड ही पोस्ट किया जाता है जो कि यंग चिल्ड्रन के लिए ही बनाया जा रहा है। और वह तभी काजुआ को वही लिंक सेंड कर देती है। तभी काजुआ कहता है इसके लिए मुझे माफ करना लेकिन हमने मूवी के लिए पहले ही डिसाइड कर दिया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें बुरा फील हो लेकिन सजेशन के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनकर रुका कहती है कि ये मूवी के पीछे क्या वजह है मैं जानती हूँ लेकिन तुम उसके बॉयफ्रेंड बनोगे मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये भी रियलाइज करती हूँ कि ये आइडिया तुम्हारा है ना कि मिजोहारा का, और वैसे भी मैं मिजोहारा की ग्रैंडमा के लिए ये समझ रही हूँ। और तभी रुका काजुआ से कहती है कि फिर भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ये सोच के मुझे एक्साइटमेंट फील होता है और वैसे भी ये पूरे फिल्म के दौरान तुम मेरे साथ ही रहोगे और ये मेरे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सो प्लीज इसीलिए मेरे लव में गिरी जाना। और ये कह के रुका काफी खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और यहाँ पर काजुआ मूवी के लिए नॉवल चेक कर रहा होता है। यहाँ पर काजुआ परेशान होकर खुद से कह रहा होता है कि ये सब इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और इससे पहले मैंने इतने सारे नॉवल एक साथ भी नहीं पढ़ा, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मूवी के लिए कोई भी नॉवल शूट नहीं कर रही है। और इसके बाद वो बाहर खाना लाने के लिए जा रहा होता है और वो खुद से कह रहा होता है कि मैंने पिछली बार जायोजा कब खाया मुझे याद नहीं, मैं तो उसका टेस्ट भी भूल गया हूँ। और वो तभी खुद से कहता है फिर भी मैं मिजोहार की बात के लिए एक्साइटेड हूँ। और जब वो बाहर जा ही रहा होता है कि तो तभी उसे कोई अंदर खींच लेता है और तभी हम देखते हैं कि यामोरी जो कि काजुआ को अंदर खींच लेती है और यहाँ पर यामोरी काजुआ के ऊपर होती है और यहाँ पर यह चैप्टर भी खत्म हो जाता है।